ये 25 किलोमीटर चलना, इन चार पहियों पे बैठना, ये पैरों में छाले अगर आप दिखाओ तो ये पैरों की ये हालत, ये अगर VIP ट्रीटमेंट है तो भाई ये सब को ले लेना चाहिए। युवा हो, बेरोजगार है, परेशान है, किसान है, अपने ही खेतों में फांसी लगा रहा है, महिलाएं हैं बलात्कार की जाती हैं, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी के घर में महिला की क्या स्थिति है? माँ है तो सिवाय कैमरे के, अगर कैमरा हटा दिया जाए तो माँ से मिलने ना जाए। पत्नी है जिनको वो सालों नकारते रहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी कोई पत्नी ही नहीं है। मोदी जी जब हाथ पकड़ते हैं किसी उद्योगपति की पत्नी का, तब उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती है? नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस कैंप में हूं जो कि भारत यात्रियों का कैंप है, जिसमें कि 120 मेंबर्स मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त दो मैम हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारत यात्रा किस तरह से चल रही है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है, मिस्टर नंदिता मैम है, नंदिता हुड्डा जी नाम है इनका और मैम चंडीगढ़ से हैं। बिल्कुल है ना मैम, चंडीगढ़ से? मैं नंदिता हुड्डा चंडीगढ़ से हूँ। स्वागत है मैम आपका चैनल पे। और मैम आपका एक बार इंट्रोडक्शन जाना। मैं सदव जाफर हूँ, लखनऊ से। लखनऊ से हैं मैम आप, ओके। तो कैसा रहा मैम यात्रा का और क्या आगे का आपको लग रहा है, प्रभाव कितना पड़ेगा इसका मैम? जिस भावना के साथ ही यात्रा शुरू करी गई थी तो वो पूर्ण रूप से हम पूरा करते हुए आ रहे हैं। बहुत लोगों का प्यार, तमिलनाडु से कन्याकुमारी से जब ये शुरू हुई तो उस समय अगर आप होते वहाँ देखते, एक साइड पूरा समुंदर, इस साइड इतने लोग, और वहाँ से हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेशनल फ्लैग लेकर चले, और एक भावना के साथ कि सबको फिर से इकट्ठा करना है, सबको प्यार के एक स्नेह सूत्र में फिर से जोड़ना है, जो आपस में ये मनमुटाव, जो जाति धर्म का भेदभाव फैलाया जा रहा है, इसको मिटाना है, और जो मुद्दे की बात है उनको दबाया जा रहा है इन चीज़ों के नीचे। कौन दबा रहा है? मुद्दे की बात सरकार दबाएगी, भटका लोगों का भटका देती है मुद्दे से कि वो आवाज़ ना उठाएं, उनको दूसरे झगड़ों में उलझा देना, जाति धर्म के झगड़े में उलझा देना। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महिला सुरक्षा का, मुद्दा है महंगाई का, तो इन मुद्दों पे आकर इस यात्रा में सभी आके राहुल जी से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि सब मुद्दों पे चर्चा की जाए, एकजुट होके इनके खिलाफ लड़ा जाए। मैम इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा और ये एक तरीके से सिंपल होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इसमें VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये 25 किलोमीटर चलना, इन चार पहियों पे बैठना, ये पैरों में छाले अगर आप दिखाओ तो ये पैरों की ये हालत, ये अगर VIP ट्रीटमेंट है तो भाई ये सब को ले लेना चाहिए, आइए। मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैम एलिगेशंस लग रहे हैं राहुल गांधी जी पे, जिस तरीके से वो महिलाओं से मिल रहे हैं और हाथ पकड़ते, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि किन महिलाओं से मिल रहे हैं और किन से बाप या भाई या बेटा अपनी माँ को या बहन को या बेटी के कंधे पे हाथ नहीं रखता, प्यार नहीं करता। अगर कोई रो रहा हो, अपना दर्द बयान कर रहा हो, तो आपका ऑटोमेटिकली हाथ उसके कंधे पे चला जाता है, उसके सर पे चला जाता है, आप उसको थाम लेते हैं। कौन लोग हैं जो राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं? हाँ, ये किसान हैं, ये आदिवासी हैं, ये महिलाएँ हैं जिनके हकों को मारा गया है, ये युवा हैं, ये युवतियाँ हैं। जब मर्दों को वो लिपटाते हैं तो नहीं दिखाता है मीडिया, जब औरतों को लिपटाते हैं तो कहते हैं कि औरतों को लिपटा रहे हैं। ओछी मानसिकता। हाँ, तो ये ओछी मानसिकता है, ये जो पितृसत्तात्मक सोच है। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी जी को डिग्रेड नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ ये नहीं किया जा रहा है, उन महिलाओं के प्रति किस तरह की कुंठित मानसिकता है जिनके ऊपर वो प्यार से हाथ रख रहे हैं। मेरे भी कंधे पे हाथ रखा। जब भाई बात सीधी सी है, मैं अपना दुख बयान तो करूं। आप क्या फील कर रहे हैं मतलब इस बात को लेकर? मैं यही कहूंगी कि एक भाई, एक बाप, एक बेटा अगर अपनी माँ को या बहन को या लिपटाता है, हमेशा उसको गंदी नज़र से क्यों देखा जाए भाई? मोदी जी जब हाथ पकड़ते हैं किसी उद्योगपति की पत्नी का, तब उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती है? या हाथ बढ़ाते हैं जर्मनी की वाइस चांसलर का, चांसलर की तरफ, और वो नकार देती हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती है? तो बात सीधी सी ये है कि जो साफ मन का होता है,
वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचता है, जिनके मन में खुद कुंठा गंदगी पितृ सत्तात्मक सोच भरी होती है वही इस तरह की बात करते हैं। बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा एक बार लोगों को ये भी बताइए पितृ सत्तात्मक सोच जो आप सब बता रहे हैं उसका क्या डेफिनेशन है? भाई पितृ सत्तात्मक सोच ये है कि मर्द जो है वो ही सुप्रीम है और औरत जो है उसको हर तरह से दबाया जा रहा है, शोषण का वो समान है। और ऐसी सोच कौन रखता है? ये वही रखेंगे जो मनुवादी होंगे। मनुवादी कौन है? मनुवादी वो हैं जो मनुवाद पे यकीन करते हैं, जो ये मानते हैं कि कोई ऐसा सेक्टर है, ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो सुप्रीम है और बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको दबाया जाना चाहिए, चाहे वो दलित आदिवासी हो, चाहे वो अपने घर की भी महिलाएं हों। आप देखिए कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पे, उनके अपने घर में महिलाओं की क्या स्थिति है? नरेंद्र मोदी जी के घर में महिला की क्या स्थिति है? माँ है तो सिवाय कैमरे के, अगर कैमरा हटा दिया जाए तो माँ से मिलने ना जाए। पत्नी है जिनको वो सालों नकारते रहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी कोई पत्नी ही नहीं है। यही तो वो लोग हैं जो उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मैम जब वो ऐसा उन्होंने जो कर्म किए हैं अपनी बेटी के साथ वो बार खोल के चला रही, हमने तो उस पर सवाल नहीं उठाए। उसका बिजनेस है, वो जो करना चाहे करे, लेकिन फिर दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ये सोचे कि एक उंगली आगे जा रही है तो 3-4 उंगलियां उनकी अपनी तरफ भी आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये सबका साथ सबका विकास जो नारा है ये कैसा नारा है? ये सबका साथ और सबका विनाश कर रहे हैं। सबको साथ लेके तो चले थे जिस तरह का मैंडेट मिला था इनको, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा तबका है जिसको छोड़ा है? युवा हो, बेरोजगार है, परेशान है, किसान है अपने ही खेतों में फांसी लगा रहा है, महिलाएं हैं बलात्कार की जाती हैं, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दी जाती है। हाँ, ये देखा जाता है कि अपराधी हिंदू है कि मुसलमान, उसके हिसाब से मीडिया उसको सरकार कहती है। कोई डाटा नहीं है हमारे पास, सरकार के पास कोई डाटा नहीं, सरकार मासूम है, उसे नहीं पता किसान कितने मर गए। कोविड का भी डाटा नहीं है उसके पास, कोविड का डाटा नहीं, किसान खत्म हो गए उसका डाटा नहीं, एनसीआरबी का डाटा नहीं, सुसाइड जो किसानों ने किया उसका किसी चीज का डाटा नहीं है। डेटा है तो सिर्फ इस, इनके पास तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कितना पैसा आया उसका भी डेटा नहीं है, डीमोनेटाइजेशन में कितने नोट उन्होंने बरामद किए उसका भी डेटा नहीं है। महिलाओं को लेकर इनकी मानसिकता है ना, तो जब इनका संकल्प पत्र आया था तो उसमें कहा था कि 33% रिजर्वेशन हम जैसे ही सरकार आएगी उसी समय हम महिलाओं को देंगे। अब ये सेकंड टर्न और चल रहा है, बीच में एक बार भागवत जी का स्टेटमेंट हमने सुना तो उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो पति की सेवा करें, खाना बनाएं, खिलाएं, और जो पति है वो उनका पेट का भरण पोषण करे। तो इनको ये समझाने में भी मतलब समय लगेगा और समझने में भी समय लगेगा कि महिलाएं भारत की नागरिक हैं, महिलाएं चांद तक पहुंची हैं, महिलाएं देश की प्रधानमंत्री बनी हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा एक सवाल और था मैम कि हिंदुत्व की बात राहुल जी भी कर रहे हैं और हिंदुत्व की बात बीजेपी भी कर रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हिंदुत्व की बात राहुल जी ये कर रहे हैं कि कोई भी धर्म, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप प्रैक्टिसिंग हिंदू और मुसलमान हो सकते हैं, सिख ईसाई हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाएं। राहुल जी भी मंदिर जाते हैं, वही तो मैं देख रहा हूँ। राहुल जी भी जिस तरीके से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उसको देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। आप प्रैक्टिसिंग हिंदू होते हुए मुसलमानों से नफरत करने की कह सकते हैं? राहुल जी के लिए बहुत आसान था, वो भी पोलराइज करते, वो भी कम्युनलिज्म की बात करते, वो भी सत्ता में आते, क्यों नहीं चुना उन्होंने ये रास्ता? क्यों उन्होंने रास्ता मुश्किल चुना है? इसलिए चुना है क्योंकि देश सेक्युलर है। प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब या प्रैक्टिसिंग हिंदू का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे से नफरत करें। अच्छा एक और सवाल था मेरा आखिरी कि ये इलेक्शन के वक्त पे ही क्यों भारत जोड़ो यात्रा शुरू की? ये तो बहुत पहले से, जब उदयपुर में संकल्प शिविर हुआ था हमारा, तो उसमें चिंतन शिविर में ये डिसाइड किया गया था, उदयपुर में जो कांग्रेस का हुआ था उस समय डिसाइड किया गया था। और इस जो ये यात्रा है ये राजनीतिक नहीं है, ये लोगों को जोड़ने की यात्रा है, लोगों को प्यार प्रेम के संबंध में, भाई सब एक हैं और कोई जाति धर्म नहीं है और हम सब मिलकर अपने देश के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए सोचें। तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं, तो एक राष्ट्र भावना जो सच्ची राष्ट्र भावना होती है, देश को बनाने के लिए जो भावना होती है, वो हमारे नेता के अंदर मौजूद है।
दिख रही है, दिख रही है, है सबको, अब सबको दिख रही है इस यात्रा में, सबको दिख रही है। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जहाँ तक धर्म की बात है तो भाई हम भी हिंदू हैं और हम भी उसी सबूत क्यों मांगा जा रहा है आजकल, उसी समझ में नहीं आ रहा है। और हम उसी और तो साथ बैठे हैं ना, बिल्कुल मेरे दुख दर्द में ये बैठी हैं, कंटेनर शेयर करते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे के, इनके साथ एक क्रिश्चियन महिला भी रह रही हैं, हाँ मणिपुर से हैं, तो हम लोग सब भाई यही तो भारत जोड़ना है, एक दूसरे की तकलीफ साझा करना, संघर्ष साझा करना, एक दूसरे के लाइफ स्टाइल। हमने तो अपनी लाइफ में आज तक कभी महसूस नहीं किया कि क्या अंतर है, ठीक है ना, क्या अंतर है हम नहीं महसूस करते हैं। तो लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस हो पाएगी इस माहौल में, मतलब कि जोड़ पाएंगे, ये जनता की यात्रा है। जैसे राहुल जी ने उस दिन बहुत सुंदर बात कही कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, जनता, ये देश की जनता की यात्रा है, नागरिकों की है, क्योंकि उनके दुख साझा करते वो चल रहे हैं। और लाखों लोगों का इसमें सम्मिलित होना और सुबह 5:30 बजे लाखों लोगों का आ जाना, यहाँ से वहाँ तक चलना, ये क्या है, ये प्यार है इस यात्रा के लिए, राहुल जी के लिए। थैंक यू मैम। तो इस वीडियो में ये समझ में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और जितने भी इसमें लोग हैं शामिल हो रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपने देखा कि मैम ने दिखाया कि पैरों में छाले तक पड़ गए हैं और मैंने बाहर भी आपको दिखाया था वीडियो में जिस तरीके से लोगों के जूते फट गए हैं, चप्पलें फट गई हैं, लेकिन फिर भी वो लोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं, लेकिन राहुल जी के साथ चल रहे हैं और उनको ऐसा विश्वास है कि राहुल जी उनके लिए बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आप हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।